वेलकम व्यूवर्स, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से जो वर्कबुक्स हैं उनको हम ओपन एंड सेव इन डायनेमिक वे किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्कबुक है VBA के नाम से, तो इसमें दो शीट्स, एक एम्प्लॉय के नाम से, दूसरा शीट वन यहाँ पर है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था हम किस तरीके से ओपन करते सेव करते, तो वहाँ पे हम क्या करते पाथ देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हम किस तरीके से बाय यूजिंग डायलॉग बॉक्स जब से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अपने प्रोग्रामिंग विंडो में आ गए। तो पहला वाला जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम ओपन फाइल, यानी आप किस तरीके से वर्कबुक जो है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो पहला वाला सब रूटीन जो है ओपन फाइल का मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा है workbooks.openapplication, ठीक है, workbooks.open, ठीक है। जैसे कि यानी workbooks open हो जाती है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन जो है, जो फाइल जो ओपन होने वाली है, get open file name। तो इस तरीके से आपको जो कोडिंग करनी है, जब आप चाहेंगे कि यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए तो आपको क्या लिखना है, workbooks.open, ठीक है। फिर लिखना है कि ओपन, यानी फिर हम आगे जो लिख रहे हैं कि जो ओपन हो जाएगा हमारी जो एप्लीकेशन है, यानी फाइल जो ओपन हो जाएगी वो किस तरीके से फाइल हो जानी चाहिए। तो गेट ओपन फाइल नेम, ये आपको इस तरीके से कोडिंग करनी, एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, सारी कोडिंग जो ठीक है, इसके बाद में क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ मैं, तो ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया, ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से डायनेमिक वे से आप क्या कर सकते हैं, कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे चला गया और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप फाइल्स है उसको ओपन करता हूँ और इसमें देखता हूँ, मैं कोई फाइल देख लेता हूँ, मैं कोई फाइल देखेंगे जो हम ओपन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर माई बुक डॉट एक्सेलस है, तो इसको आप सिलेक्ट करके इसको ओपन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और एक फाइल जो है, ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गई है, जिस तरीके से इसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स का कुछ रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए माय बुक बुक्स डॉट एक्सेल्स। तो इस तरीके से जो है आप जो इन डायनेमिक वे आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कोडिंग VBA में आप किसी भी एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा वाला जो है कि अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहला वाला यहां पर जो है पहले आपको क्या लिखना है, तो यहां पर भी डिलीट फाइल के लिए यहां पर कोडिंग है किल। तो ठीक है, मैंने सब रूटीन बनाया, डिलीट फाइल मैंने यहां पर लिखा है, तो ठीक है यहां पर मैंने किल लिखा है। उसके बाद मैंने उस फाइल का यहां पर पाथ दिया है कि जिस फाइल को मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो पाथ मैंने यहाँ पर जो है वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है कि जैसे आप देख रहे हैं टेस्ट डॉट एक्सएलएस है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है डेस्कटॉप फाइल में। तो ये मैंने डेस्कटॉप फाइल का फोल्डर ओपन किया, डेस्कटॉप पे ही है, वहाँ पर हम देख रहे हैं टेस्ट डॉट एक्सएलएस फाइल एक यहाँ पर है। तो इसका जो मैंने पाथ जो है, ठीक है, यहाँ पर कॉपी किया था, यहाँ से कॉपी किया था और वहाँ पर मैंने पेस्ट किया था, फिर मैंने स्लैश डाल के टेस्ट डॉट एक्सएलएस मैंने वहाँ पर लिख लिया था। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा टेस्ट डॉट एक्सएलएस, फिर मैं लिखा स्लैश करके, तो ठीक है। फिर मैं इसको एंटर कर लेते हैं। तो आपको क्या याद रखना, आपको किल कमांड याद रखनी, उसके बाद आप यहाँ पर उसका पाथ दे सकते हैं। तो इसको हम रन करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये जो प्रोग्राम है रन हो गया, तो मैं दोबारा से डेस्कटॉप फाइल पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस जगह पर टेस्ट जो थी टेस्ट डॉट एक्सएलएस, वो जो फाइल जो है यहाँ पर अब नहीं है। तो इस नाम की कोई फाइल या पर एक्सेल फाइल कोई भी नहीं है, आप देखेंगे कि वो डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप किसी फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो वे है कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप एक फाइल को नहीं बल्कि मल्टीपल फाइल्स को जो है आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेम यही लिखना है कि आपको उस फोल्डर का यहाँ पर नाम देना है और फिर यहाँ पर स्टार डॉट एक्सएलएस। तो स्टार जो है ये एस्ट्रिक साइन जो यहाँ पर है, ये मल्टीपल फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑल फाइल्स। स्टार का मतलब है कि ऑल फाइल्स, जितनी भी सारी फाइल्स उस फोल्डर में हो
होंगी। तो पहले हम देखेंगे, हम पहले डेस्कटॉप फाइल्स में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप में जाएंगे एक फोल्डर में, तो जैसे कि यहाँ पे एक फोल्डर है, ये देखिए एक्सेल एक्सेल फाइल का नाम एक फोल्डर है यहाँ पर है। तो जैसे कि हम यहाँ मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू करता हूँ, न्यू के बाद मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, तो देखिए एक बन गया है। मैं दोबारा से राइट क्लिक करके मैं और एक, ये मैंने फिर राइट क्लिक करके और एक बना दिया, और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और एक बार राइट क्लिक करके मैं तीसरा शीट यहाँ पर ऐड करूँगा। तो और एक बार मैं जो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ आपकी बार में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का यहाँ पर, तो ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एक्सेल में, तो तीन फाइल्स जो है वो एक्सेल की है, और बाकी एक एक फाइल जो है ये क्या है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्रामिंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब क्या किया है कि जिस फोल्डर में ये फाइल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका पाथ जो है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पाथ आ जाएगा इसका। तो इसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे हम, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो फिर पेस्ट यहाँ तक कर दिया, तो सी जो है यहाँ पर सी ड्राइव से लेकर यहाँ पर एक्सेल फाइल्स तक आ गया है। तो स्लैश करके हम डालेंगे स्टार डॉट एक्सेल एस, यानी जितनी भी एक्सेल की फाइल्स हैं, ठीक है, तो स्टार उनको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ठीक है सारे कोडिंग जो है वो ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन कर लेता हूँ, तो ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा रन हो गया है, तो हम दोबारा से जो है हम एक्सेल फाइल में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप में जो फोल्डर है वो एक्सेल फाइल्स का फोल्डर है, उसमें जो एक्सेल फाइल्स थी वो सारी की सारी जो है वो डिलीट हो गई है, और एक फाइल खाली रहेगी, वो कौन सी वाली है, डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फाइल जो है वहीं पर रहेगी, तो जितनी भी एक्सेल फाइल्स है वो सारी की सारी डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से जो है आप मल्टीपल फाइल्स और सिंगल फाइल को आप जो है एक्सेल फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा जो सब रूटीन बनाया हुआ है वो है सेव फाइल, मैंने बनाई हुई थी। आप किस तरीके से जो है इन डायनेमिक वे आप फाइल को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ऑलरेडी हमारे पास VBA एक है, हम देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी सेव्ड है, तो हम किसी नई फाइल को देखेंगे हम किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। तो आपको पता ही वर्क बुक्स को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, उसके बाद उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वर्क बुक्स डॉट ऐड, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो प्रोग्रामिंग ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रन किया, तो यहाँ पे एक एक्सेल फाइल जो है वो ऐड हो गई है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या है ये, यहाँ पे हमारे पास एक तो बुक टू, तो ठीक है एक एक्सेल फाइल जो है वो ऐड हो गई है, तुम्हारी जो फाइल वो है VBA, ठीक है, तो वो यहाँ पर ऐड हो गई है। तो अब क्या करेंगे, जब हमारी एक फाइल ऐड हो गई, तो मैं इसको कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पे, क्योंकि हमारी एक फाइल ऐड हो गई, आपको पता है हमारी जो एक फाइल थी वो कौन सी थी, वो VBA.xls फाइल थी, ठीक है। तो अभी जो हमारी फाइल अभी जो ऐड हो गई है वो कौन सी वाली है, तो वो ये बुक टू है, अनटाइटल्ड फाइल है, ठीक है। तो हमारी फाइल का जो नाम है वो VBA.xls था, ये वाली जो फाइल ऐड हो गई वो बुक टू के अनटाइटल्ड है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो जैसे मैं इस पे एंटर करता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी सेम वही वाला प्रोसीजर है जो ओपन का है, एक्टिव वर्कबुक। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वहां पर मैंने वर्कबुक्स डॉट ओपन लिखा था, यहाँ पर मैंने एक्टिव वर्कबुक्स लिखा था। एक्टिव आपको पता है जो भी हम जब फाइल को ऐड कर लेते हैं, तो जो नई फाइल जो ऐड हो जाती है, तो वो उसका जो है वो हमारी एक्टिव फाइल कहलाती है, तो ठीक है। तो जैसे भी अगर आप जाएंगे किसी फाइल के ऊपर, जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे, तो ये चूंकि ये वाली फाइल यहाँ पर का यहाँ पर जो सेल है तो ये सिलेक्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि जहां पर हमारा कर्सर है या जो भी हमने यहाँ पर लोकेशन जब भी जो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कोई सेल किया, तो इसका मतलब यही हमारी एक्टिव फाइल है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है जब भी हम कोई फाइल ऐड कर लेते हैं वही हमारे एक्टिव फाइल हो जाती है। अगर ऑलरेडी कोई फाइल ओपन है, आप वहां जाके क्लिक करेंगे किसी एक्सेल शीट पे करेंगे, तो वही एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई फाइल को ऐड कर लेते हैं, तो वो हमारी जो एक्टिव फाइल कहलाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेव करने के लिए एक्टिव वर्कबुक्स डॉट
सेव एज, ठीक है। तो आपने पिछली बार भी ये देखा था कि एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, तो फिर आपने क्या दिया था यहाँ पर पाथ दिया था, तो अभी यहाँ पर क्या करना है आपको एप्लीकेशन डॉट गेट सेव एज फाइल नेम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मैंने यहाँ पर एंटर किया था, ठीक है, सारी कोडिंग ठीक है। तो इसके बाद में क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन किया, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, काम मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका नाम आपको पता, उसको मैंने जो फाइल एक डिलीट की थी वो टेस्ट के नाम से थी, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ टेस्ट उसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेस्क टॉप पे जो है एक डेस्कटॉप फाइल्स के नाम से एक फोल्डर है, वहां पर मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर टेस्ट डॉट एक्सएलएस, तो हम देखेंगे क्या इस फोल्डर में सेव हो गया है नहीं हो गया, ठीक है। तो हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं, तो हम डेस्कटॉप फाइल्स में जाएंगे, डेस्कटॉप फाइल्स फोल्डर जो है यहाँ पर है, ठीक है, उसमें हम सर्च करेंगे कि हमारा इस नाम की कोई फाइल यहाँ पर सेव हो गई या नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, तो टेस्ट डॉट एक्सएलएस, ठीक है। तो इस तरीके से जो फाइल है जो हमने पाथ दिया था, ठीक है, जहाँ पर हम सेव करना चाहते हैं, जिस फोल्डर में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये सेव हो गई है। तो इस तरीके से जो है हम इनडायनेमिक वे में हम फाइल्स को जो है सेव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने जाना आप किस तरीके से ओपन डिलीट एंड फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का वीडियो